स्टेट्स मैक्सिमम फंडिंग सेंटर से कश्मीर को आती है ताकि वहां अमन बना रहे। दोस्तों नमस्कार, आजकल 370 जो सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर पे लगा हुआ था हमेशा से, उस पे एक मूवी आई है। उस मूवी का नाम ही है आर्टिकल 370, उसका टीजर आया है, तो पहले हम टीजर देख लेते हैं। कश्मीर की वादियां दिखाई जाती है, कश्मीर एक धंधा है। It has nothing to do with आजादी, but it has everything to do with money. Out of 29 states, maximum funding center से कश्मीर को आती है ताकि वहां अमन बना रहे। पर वहां के टॉप पॉलिटिशियंस, करप्ट ब्यूरोक्रेट्स अपनी जेबें गरम रखने के लिए सालों से कश्मीर की कॉन्फ्लिक्ट इकोनॉमी का भर भर के फायदा उठाते हैं। हम कितना भी जोर लगा लें, जब तक स्पेशल स्टेटस है हम उन्हें हाथ भी नहीं लगा सकते। पीएम अगर 10 दफा भी इस देश के प्रधानमंत्री बन जाए तो भी 370 को हटा नहीं सकते। सभापति महोदय, आज दिनांक 5 अगस्त 2019 से अनुच्छेद 370 के सभी खंड नहीं लागू होंगे। आर्टिकल 370 ये आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ जम्मू और कश्मीर पे लागू होता था, क्योंकि जम्मू और कश्मीर हिंदुस्तान के हिस्सा थे, पर वो अपने आप से कुछ भी कर सकते थे। वो उनका राज, उनका सब कुछ उनका अपना था। और आर्टिकल 370 इसी को दर्शाता है और उसी के ऊपर ये मूवी आधारित है। आर्टिकल 370 में भारत का राज होते हुए भी वो एक अलग राज था, एक स्वतंत्र राज था, वो जो चाहे वो कर सकता था। इसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस आर्टिकल को हटा दिया, एक धारा के तहत, एक कानून के तहत उसको हटा दिया। इससे पहले कि जो भी घटनाएं हुई हैं, 370 जब आर्टिकल लगा हुआ था उस पर, उस बीच जो भी घटनाएं हुई हैं वो इस मूवी में दिखाई गई हैं। इसका टीजर था अभी, मूवी 23 फरवरी को आएगी। मूवी बहुत अच्छी होगी। इसमें यामी गौतम वहाँ जम्मू कश्मीर में हो रहे अत्याचार के बारे में बात करती है। वो कहती है कि कितनी जगह से फंड आता है, यहाँ पे जमा किया जाता है, पर यहाँ के जो नेता लोग हैं वो करप्ट हो चुके हैं और वो अपने जेबें भरते हैं, जबकि फंड आता है पब्लिक की सेवा के लिए। ऐसा टीजर में दिखाएगा। यामिनी गौतम ने जो इसमें दमदार एक्टिंग की है ना, ऐसी उन्होंने उरी में भी की थी। उरी में भी वो एक बहुत बड़ी अधिकारी बनी थी और इसमें भी उन्होंने दमदार एक्टिंग की है। इसमें दिखाया जाता है कि वो कितना लड़ती हुई है, मुंह में टाश दवाई होती है और आर्टिकल पढ़ रही होती है, सब कुछ इसमें दिखाया जाता है। और वहाँ के जो आतंकवादी जो पनप रहा है, आतंकवाद जो वहाँ पनपता है ना, वो लोग कहते हैं कि चाहे 10 बार यहाँ का भारत का कोई भी प्रधानमंत्री बन जाए, पर आर्टिकल 370 कोई नहीं हटा पाएगा। और उसी को श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हटा देते हैं। तो ये उसी के ऊपर आधारित मूवी। आर्टिकल 370 के निर्देशक हैं आदित्य सुभाष जामवाले, इन्होंने उरी मूवी का भी निर्देशन किया था और वो भी एक स्ट्राइक मूवी थी जिसमें दिखाया गया कि उरी पे हमला होता, फिर एक सर्जिकल स्ट्राइक थी। और ये मूवी 370 ये मूवी भी उन्हीं ने निर्देशन की है। बहुत अच्छी मूवी होगी, दमदार मूवी होगी। 2024 में हम इतना कहना चाहते हैं कि ना मूवी बहुत बहुत अच्छी आ रही है और सारी रियल घटना पे आधारित आ रही है। 2023 में इतनी रियल पे आधारित मूवी नहीं आई थी, पर 2024 की जब से शुरुआत हुई ना, तो उसका टीजर ट्रेलर एक से बढ़कर एक धमाकेदार आता चला जा रहा है और ये मूवी भी धमाकेदार होगी।
टीजर की शुरुआत होती है ना तो उसमें लिखा होता है भारत का चमकता हुआ ताज 70 सालों से भ्रष्टाचार की आग में जल रहा है, ऐसा उसमें दिखाया जाता है। और बहुत सारे जगह बम विस्फोट भी होते हैं और उसमें दिखाया जाता है कि ये लोग आजादी के नाम पे भ्रष्टाचार का धंधा चला रहे हैं नेता लोग वहां के मिलके और आजादी की मांग करते हैं। जम्मू कश्मीर को ये विशेष अधिकार 370 आर्टिकल इसलिए दिया गया था ताकि वहां पे अमन और शांति बनी रहे और अमन और शांति के आड़ में वहां पे आतंकवाद का धंधा चलता है। और जब 5 अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 हटाया गया तब तक की कहानी इस मूवी में आपको देखने को मिलेगी। टीजर बहुत दमदार था, बहुत धमाकेदार था। टीजर इतना धमाकेदार, मूवी कितनी धमाकेदार होगी। इसमें आपको देखने को मिलेंगे यामिनी गौतम, अरुण गोल, प्रिया मणि, वैभव और राज अर्जुन। इसमें ये बड़े बड़े कलाकार आपको टीजर में दिख जाएंगे। इसके जो निर्माता है ना, टीजर रिलीज कर दिया, इसमें आपको यामिनी गौतम उरी में भी थी और इस मूवी में भी बहुत उन्होंने दमदार एक्टिंग की, धमाकेदार एक्टिंग की है। उरी में भी बहुत उन्होंने दमदार और धमाकेदार एक्टिंग की थी। दिमाग से दिखाया गया था कि उस दिमाग से कैसे रहती है, चलती है दिमाग से। इसके निर्माता है ज्योति देश पांडे और आदित्य धर। आदित्य धर यामिनी गौतम के पति है। तो ये टीजर आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। बने रहिए हमारे साथ। रिएक्शन वाले लिंक को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर से जरूर कीजिए। ये मूवी बहुत अच्छी जाने वाली है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।